तो जेठालाल जी भी आ चुके हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, जो कि उनका भी शूट है ना, अभी कुछ देर में यहीं स्टार्ट होने वाला है। वो देखो अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही जा रहे हैं। अभी नटू काका और बाघा भी आ चुके हैं, जो कि वो भी अंदर की तरफ ही जा रहे हैं, उनका भी शूट स्टार्ट होने वाला है अभी। और ये आप लाइव शूटिंग देख सकते हो, अभी जेठालाल जी का सीन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अभी बस बाहर की तरफ काफी सारे लोग भी खड़े हुए हैं उनका शूट देखने के लिए। और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सारा सेटअप किया जा रहा है, और ये कैमरा भी वही है जिसकी मदद से पूरी तारक मेहता सीरियल शूट की जाती है। और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक रियल की स्टोर है मुंबई के अंदर, जो कि जेठालाल जी की दुकान दिखाई जाती है तारक मेहता सीरियल के अंदर। तो मैं आज आपको पूरी दुकान भी दिखाता हूँ। हाय गाइस, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ तारक मेहता के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टोर पर, जहाँ कुछ टाइम पहले तक शूट किया जाता था, जो कि आपको जेठालाल जी की दुकान दिखाई जाती थी। वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर है ना, रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टोर है मुंबई में, जहाँ पर हम भी जाकर विजिट कर सकते हैं। और वहीं पर तारक मेहता का शूट किया जाता था कुछ पहले तक, करीब लॉकडाउन से पहले। फिर लॉकडाउन के बाद उन लोग ने अपना नया सेट बना लिया फिल्म सिटी में, तो फिर वो लोग अपना फिल्म सिटी में शूट किया करते थे। लेकिन मैं आज आपको पुरानी वाली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ अभी वो कैसी है, वहां पर शूट कैसा होता था, अंदर से वो कैसी दिखती है, पूरा टूर मैं आपको देता हूँ। तो ये वाली स्टोर है ना, ये मुंबई के खार डांडा एरिया में लोकेटेड है, तो अभी हम वहीं चलते हैं और मैं आपको पूरी स्टोर दिखाता हूँ, वहां पर भी शूट कैसे होता था, सारी चीजें हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। ये हम पहुंच चुके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, आप ऊपर देख सकते हो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड लगा है, यहीं पर शूट किया करते थे तारक मेहता वाले अपनी जेठालाल जी की दुकान। लेकिन नीचे छोटे लेटर्स में मैनेज्ड बाय कंज्यूमर शॉपी लिखा है ना, ये कंज्यूमर शॉपी रियल नेम है इस दुकान का, सिर्फ सीरियल के लिए है ना, इन्होंने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड भी लगाया यहाँ पर। और यहाँ जेठालाल जी इसके ओनर नहीं है, शेखर गड़ियार जी है, जो कि इसके रियल ओनर है, वो काफी बार टीवी में भी आते हैं। ये देखो ये शूट के दौरान का वीडियो है, यहाँ पर नट्टू काका और बाघा जी आए अपने शूट के लिए। अभी जिस दिन शूट रहता है ना, इस उसी दिन ये सारे यहाँ पर टीम मेंबर्स भी आते हैं, ये सारे प्रोडक्शन टीम है तारक मेहता वाले के। और ये वाली ऑटो रिक्शा में है ना, ये टीम मेंबर के साथ जेठालाल जी भी आए हुए हैं, जो कि अभी सारा जिस टाइम पर उनका शॉट होता है ना, वो कुछ देर पहले उसी टाइम पर आते हैं यहाँ पर और अपना सीन देते हैं, टेक्स देते हैं और फिर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया है, तो भीड़ भाड़ भी लग जाती है। और ये देखो लाइव शूट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आसपास काफी सारे लोग जमा भी हो चुके हैं देखने के लिए। और ये देखो जेठालाल जी आए अपनी दुकान पर, ये पैर पड़ के वो अंदर की तरफ जाते हैं। और ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो, यहाँ पर सारी चीजें सेटअप की जा रही है शूट होने से पहले, यहाँ पर काफी सारी सजावट की है, शायद कोई सेलिब्रेशन का शूट कर रहे हैं। और ये वही कैमरा है जिसकी मदद से पूरी तारक मेहता सीरियल भी शूट की जाती है, ये अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेट करके रखा हुआ है। यहाँ पर काफी सारी ऐसी लाइटिंग्स भी है, तो शूट करने से पहले भी है ना काफी सारी तैयारी करनी पड़ती है। ये शॉप का कुछ अंदर से लुक है, ये शॉप को तो आपने हजारों बार देखा होगा सीरियल में और बहुत सारे वीडियोज में भी, है अंदर से ओवरऑल लुक देख सकते हो आप। अभी बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, जब शूट होता है ना यहाँ पर, तभी ये स्टॉक्स को क्लियर कर दिया जाता है। जो शॉप है बहुत बड़ी स्पेस है गाइस, सीरियल में ऐसा लगता है थोड़ी छोटी स्पेस है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा सही में खूबसूरत है। ये देखो काफी आइकॉनिक है ये वाली स्टोर भी, क्योंकि 12 से 13 साल तक हमने ये वाली स्टोर को देखा तारक मेहता में। और ये वाला टेबल देखो, ये टेबल हमें हमेशा दिखाया जाता था, जेठालाल जी यहाँ पर खड़े रहते थे टेबल के पीछे। और मुझे तो ऐसा लगता है जब तक ये वाली स्टोर हम देख रहे थे ना सीरियल में, तब तक के लिए एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जब से उन्होंने न्यू सेट बनाया ना उसमें उतना मजा नहीं आ रहा है। लेकिन ये टेबल, ये पूरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखकर है ना, पुराने एपिसोड्स की वापस से यादें पूरी ताजा हो गई। और ये वाला जो वो स्टोर है ना, ये मुंबई के खार एरिया में रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है, तो जब भी यहां पर शूट किया जाता था कस्टमर्स को थोड़ी देर के लिए रोक दिया करते थे और बाद में कस्टमर्स को अटेंड करते थे शूट के बाद। जब भी शूट होता था तो यहां पर काफी सारी भीड़ भी आ जाती थी देखने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स सीरियल काफी ज्यादा फेमस भी थी, आसपास का एरिया ना कुछ देर के लिए वो लोग ब्लॉक कर देते थे। और ये है शेखर जी, जो कि ये दुकान के रियल ओनर है, ये है ना काफी बार तारक मेहता सीरियल में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिखाए गए हैं, वो है ना अपनी दुकान पर खुद कस्टमर्स बनकर आते थे वो, और ये सीरियल में हमें ऐसे दिखाया जाता था। तो आज के टाइम पे भी कभी अगर आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विजिट करने जाओगे, कुछ शॉपिंग करने भी जाओगे ना, तो आपको ये शेखर जी वहां मिलेंगे, जेठालाल जी नहीं मिलेंगे। और फिर शेखर जी ने हमें यहां शूट के दौरान की कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए, और उन्होंने ये भी बताया कि यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं होता था कि कभी शूट होने वाला है नहीं होने वाला है, जैसे उनको रिक्वायरमेंट रहती थी वो लोग आकर शूट करते थे यहां। यहाँ पर जब ये हमेशा जेठालाल दुकान से बाहर निकलता है और एक बाजू की गली में जाता है जहाँ पर उसकी गोडाउन रहती है, तो वो गली में एंटर होते हैं, वो जो यहाँ पर एक लेन है अंदर की तरफ, तो वो लेन में जाकर ट्राई करते हैं कुछ है या नहीं। तो यार बाजू वाली लेन में कुछ नहीं है, वो गोडाउन का जो सीन होता है वो जो दूसरी जगह पर होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बिल्डिंग का रास्ता था यार ये तो। सो गाइस, मैंने आपको ये पूरी स्टोर तो दिखाई और मैंने आपको वो बाजू वाली लेन भी दिखाई, उसमें भी कोई ऐसे रियल गोडाउन जैसा नहीं होता है, वो गोडाउन का जो सीन होता है ना वो लोग अलग से शूट करते थे फिल्म सिटी में। ये वाली जो मैंने आपको पूरी स्टोर दिखाई, ये है ना कुछ लॉकडाउन के पहले तक है ना यहाँ पर शूटिंग्स किया करते थे, तो देखो लॉकडाउन से भी पहले मतलब 12-13 साल वो लोग ने ये वाली दुकान पे आकर शूट किया था। तो और ये वाली है ना एक रियल स्टोर भी थी मुंबई में, जो कि आप
खुद भी वहां पर जाकर है ना फोटोज क्लिक करवा सकते हो, वहां से आप शॉपिंग कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। वो स्टोर है ना आज रियली में भी मौजूद है खार डांडा एरिया में, जहां पर आप लोग भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो और वहां से शॉपिंग कर सकते हो और वो पुरानी यादें वापस से देख सकते हो। फिर देखो लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन में ऐसे बाहर रिस्ट्रिक्शन बहुत लग गए थे, वो लोग बाहर जाकर शूट नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने है ना फिर फिल्म सिटी में अलग से सेट बना लिया। अगर आप वो वाला जो न्यू वाली गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो भी आप देखना चाहते हो ना, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर ट्राई करूंगा वो भी हम एक्सप्लोर कर पाए। आज तक तो हमें यही लगता था कि ये गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के रियल ओनर जेठालाल जी है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सीरियल में दिखाने के लिए जेठालाल जी को रियल ओनर बनाया गया है। वैसे रियल लाइफ के जो ओनर है ना शेखर गढ़ियार जी है, जो कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, ये उन्हीं की शॉप है और करीब है ना 12-13 साल पहले जब भी तारक मेहता वालों को ये जरूरत ही ना ये ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप की जो कि उनको जेठालाल जी की दुकान दिखानी थी, तभी वो लोग यहाँ पर रैंडमली पहुंचे थे ये वाली दुकान पर और उन्होंने रैंडमली यहाँ पर उनके ओनर से बात करके कुछ एक दो दिन के लिए शूट की बात की। फिर एक दो दिन जाकर इतने सालों तक कंटिन्यू रहा, इतने सालों तक वही सेम दुकान दिखाई गई हमें इतने सालों तक। फिर देखो लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, उसकी वजह से उन लोग ने वो सेट भी चेंज कर दिया, वो लोग ने अपना खुद का एक सेट बना लिया फिल्म सिटी के अंदर ही, वरना अगर ऐसा लॉकडाउन की चीजें नहीं आती थी ना तो आपको आज तक यही वाली दुकान देखने मिलती थी तारक मेहता में। तारक मेहता वाले है ना ये वाली जो रियल दुकान थी ना ये इसको रेंट पर लेते थे और यहाँ पर महीने में करीब एक दो बार यहाँ पर कभी शूट होता था, जब भी उन लोग को जब भी सीरियल में उन लोग को दुकान दिखानी होती थी तभी वो लोग यहाँ पर आकर शूट भी करते थे। और मैंने आपको जो सारी क्लिप्स दिखाई वो मैं जब भी उस पहले वहां गया था तभी वहां पर वो रियल शूट भी चल रहा था, तो मैंने वो सब रिकॉर्ड किया था। आप लोग भी अगर तारक मेहता के फैन हो, जेठालाल जी के फैन हो ना, तो आप लोग आज भी जा सकते हो वो गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में रियल में और वहां पर जाकर शॉपिंग कर सकते हो, वहां पर जाकर फोटोज क्लिक कर सकते हो और पुरानी यादें वापस से ताजा कर सकते हो। आपको भी ये व्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो बस अभी हमें ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट to subscribe to my channel and also click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.